ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो नेक्स्ट ऑर्गेन हमने स्टडी करना है वो है लंग्स द लंग्स आर अ पेयर ऑफ स्पॉन्जी एयरफील्ड ऑर्गेनस लोकेटेड ऑन आदर साइड ऑफ चेस्ट एक्चुअली लंग्स जो हैं यानि कि हमारे जो फेफड़े हैं ये हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम का मेन पार्ट है मेन ऑर्गेन है एंड वी हैव टू लंग्स वन ऑन ईच साइड ऑन आदर साइड ऑफ द चेस्ट द ट्रैकिया ऑल्सो कॉल्ड विंड पाइप कंडक्ट्स इनहेल्ड एयर इन टू द लंग्स लंग्स के अंदर जो हवा है वो ट्रैकिया के जरिए एंटर होती है थ्रू इट्स ट्यूबुलर ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंकि ट्रैकिया की जो ट्यूबुलर ब्रांचेस है ब्रोंकि वो हवा को लंग्स तक पहुंचाती हैं फिर यही ब्रोंकियाए फर्दर डिवाइड होते हैं ब्रोंकियोल्स में द ब्रोंकिया दैन डिवाइड इन टू स्मॉलर एंड स्मॉलर ब्रांचेज ब्रोंकियोल्स फाइनली बिकमिंग माइक्रोस्कोपिक यानी कि वो बहुत गुच्छेदार हो जाते हैं द ब्रॉन्टली एंड इन क्लस्टर ऑफ माइक्रोस्कोपिकल माइक्रोस्कोपिकलवोलाय में तब्दील हो जाते हैं इन द एल्लाय ऑक्सीजन एयर इज ऑब्जॉर्ब इन टू द ब्लड और एल्वोलाय वो जगह है जिसमें हवा में मौजूद ऑक्सीजन जो है वो खून में जजब हो जाती है यानी कि हमें हमारी बॉडी को रिस्पायरेटरी सिस्टम के दौरान ऑक्सीजन की जरूरत होती हैल कार्बन डाइ ऑक्साइड अब ये एल्वोलाए ब्रोंकि ब्रोंकि ट्रैकििया ये शॉर्ट क्वेश्चन में वो पूछ सकते हैं अलग से इनकी डेफिनेशन कार्बन डाइऑक्साइड अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबोलिज्म ट्रेवल्स फ्रॉम ब्लड टू द एल्वोलाए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जाहिर है कि वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी को नहीं चाहिए एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रीथिंग कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी जो ब्लड से एल्वोलाए तक जाती है फ्रॉम वेयर इट कैन बी एक्सेल्ड बिटवीन द इज अ थिन लेयर ऑफ सेल्स कॉल्ड इंटरसीटियम विच कॉन्टेम ब्लड वेसल्स एंड सेल्स द एल्बोलाय इंटरसीटियम की डेफिनेशन उन्होंने बताई उसके बाद है द लंग्स आर कवर्ड बाई अ लेयर कॉल्ड प्लियोरा ये प्लियोरा की बेटे बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि लंग्स जो है वो एक थिन टिश्यू लेयर के साथ कवर्ड है जिसको प्लोरा बोलते हैं और सिर्फ ये प्लोरा की यहाँ पर आप डेफिनेशन देखेंगे द सेम काइड टिश्यूज लाइन द इन साइड ऑफ चेस्ट कैविटी ऑल्सो कॉल्ड प्योरा इस लाइन को मत कीजिएगा नेक्स्ट लंग कंडीशंस ये वेरियस जो डिजीज़ हैं लंग्स की सी ओ पी डी ये आपने नहीं करनी है अगर ऊपर वाला पैराग्राफ बहुत है मतलब उसमें उन्होंने हर आ, पार्ट की जो लंग की है आ, डिटेल बताई हुई है तो मोर देन इनफ है वो लेकिन जस्ट नॉलेज के लिए आपको बता देती हूँ लंग्स कंडीशन सी ओ पी डी ये एक डिजीज़ है जिसमें डैमेज टू द लंग रिजल्ट्स इन डिफिकल्टी ब्लोइंग एयर आउट कॉज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ स्मोकिंग इज बाय फॉर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सी ओ पी डी जो लोग बहुत स्मोकिंग करते हैं वो इस डिजीज का शिकार हो जाते हैं लंग्स गेट परमानेंटली डेमेज बाई द स्म सिगरेट्स एम्फीसीमा फॉर्म ऑफ सी सी ओ पी डी यूजली कॉज बाय स्मोकिंगे भी स्मोकिंग के जरिए होती है लंग कंडीशन द फ्रेजाइल वॉल्स बिटवीन लंग्स एयर सेक्स आर डेमेज ट्रैपिंग एयर इन द लंग्स एंड मेकिंग ब्रीथिंग डिफिकल्ट क्रॉनिक ब्रॉन्काइटस इसमें क्या होता है कि Uh, बलगम वाली खांसी बार बार आती है और ब्रीथिंग जो है वो भी डिफिकल्ट हो जाती है नमूनिया नमूनिया आपको पता है लंग्स की बीमारी है एस्थमा सांस की दुशारी एक्यूट ब्रोंकाइटस इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स यूजली कॉज बाय वायरस कफ इज द मेन सिप्टम ऑफ एक्यूट ब्रोंकाइटस और बाकी ये वेरियस ये मेन मेन जो थे वो आपको बता दिए हैं बाकी ये जो हैं ये जस्ट नॉलेज के लिए हैं तो मैं अगेन यही बोलूँगी कि इससे पहले जो मैंने एक पैराग्राफ आपको दिखाया है ये वाला ये डायग्राम बेटे आपने बनानी है इसके अलावा अगर आप गूगल पे और सर्च कर सकें तो आप वो कर लीजिएगा उसके अलावा ये जो पैराग्राफ यहाँ से लेके कर यहाँ तक और लंग्स आर कवर्ड बाय टिश्यू कॉल्ड द प्लोरा यहाँ तक ये ईच ब्रेथ तक ये मोर देन इनफ है